Friends, now this is GK chapter 41, icons of sports. Given below are the icons of well-known sports. नीचे आपको icons दिए हुए हैं sports के. Write the name of sport under its icon. Icon के नीचे आपको sports का नाम लिखना है. You may take help from the clue box. आपको clue box नीचे दे रखा है, इसमें से आप help ले सकते हैं. First student, आप ये देखिए, इसने weight उठा रखा है. तो this is an icon of weight lifting. इसमें बताए देखिए आप, golf की stick है इसके हाथ में. This is an icon of golf. GOLF. इसके हाथ में देखिए आप, रैकेट है टेनिस का, ये TENNIS. इसके देखिए ये जूडो का आइकन है, JUDO. ये देखिए फुटबॉल खेल रहा है, ये फुटबॉल का आइकन है. ये बास्केटबॉल, देखिए बास्केट भी बनी है, बॉल भी बनी है, ये बास्केटबॉल का आइकन है. नेक्स्ट है बॉक्सिंग. इसके हाथ में ग्लव्स देखिए, ये बॉक्सिंग का है. ये रगबाई की बॉल इस तरीके से होती है, बॉल रगबाई की बॉल ऐसी होती है, ये रगबाई है. नेक्स्ट है बेसबॉल. इसके हाथ में देख के पता चल रहा है कि ये बेसबॉल का आइकन है. नेक्स्ट है पोलो. पोलो इस तरीके से खेला जाता है, स्टिक के साथ हॉर्स पे बैठ के पोलो. स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग POLO है, ठीक है. नेक्स्ट है साइकिलिंग, देख के पता चल रहा है तो साइकिलिंग है. ये आइस हॉकी का आइकन है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर 42, स्पोर्ट्स स्टार्स. नेम दीज स्पोर्ट्स स्टार्स एंड द स्पोर्ट दे आर फेमस फॉर. आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कौन से ये स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, और स्पोर्ट्स ही बताने कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए ये फेमस है. फर्स्ट है बेटा ये पिक्चर आपकी रोजर फेडरर की, ये टेनिस के लिए फेमस है. ये है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये लॉन्ग जंप के लिए फेमस है. ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल के लिए फेमस है. ये जुलन गोस्वामी, MILS में, GOSWAMI, जुलन गोस्वामी. नेक्स्ट है आपका सनत जयसूर्या, दिस इज वेल नोन प्लेयर ऑफ क्रिकेट. ये है तान्या सचदेवा, चेस की प्लेयर है बेटा ये. ये लिएंडर पेस आपके टेनिस के प्लेयर है. नेक्स्ट है आपका यूसेन बोल्ट एथलेटिक्स है ये. नेक्स्ट है आपका 43 चैप्टर ओलंपिक क्विज. टेस्ट योर नॉलेज ऑफ ओलंपिक गेम्स बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप अपने ओलंपिक गेम्स में आपकी क्या नॉलेज है, इन क्वेश्चंस के आंसर देके आप चेक कर सकते हैं. इन विच कंट्री वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड. एंशियंट ओलंपिक गेम्स कौन सी कंट्री में होते थे, ग्रीस में होते थे बेटा, ग्रीस आएगा इसमें. नेक्स्ट है इन हूज ऑनर वर द गेम्स हेल्ड, किसके ऑनर में ये गेम खेला जाता था, ज्यूस की. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IOC, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. नेक्स्ट है द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एट
इंटरवल ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं? 4 ईयर्स के बाद होते हैं बेटा. वॉट इज द 4 ईयर पीरियड बिटवीन द ओलंपिक गेम्स कॉल्ड? ओलंपिक गेम्स के बीच का जो 4 ईयर्स का पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ओलंपियाड बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, विच टीम ऑलवेज मार्चेस फर्स्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स की जो सेरेमनी होती है उसमें सबसे पहले कौन सी टीम सबसे पहले मार्च करती है? ग्रीस की बेटा. ठीक है, विच टीम ऑलवेज मार्च लास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी? सबसे लास्ट में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी सबसे लास्ट में कौन सी टीम मार्च करती है? द होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में वो हो रहा होता है ना ओलंपिक गेम्स, वो होती है होस्ट कंट्री. तो जिस कंट्री में हो रहा है वो कंट्री सबसे लास्ट में मार्च करती है, सबसे पहले ग्रीस और सबसे लास्ट में होस्ट कंट्री. हाउ मैनी इंटरलॉकिंग रिंग्स डज द फ्लैग ऑफ द ओलंपिक गेम्स हैव? ओलंपिक गेम्स का बेटा एक फ्लैग है, उस फ्लैग में कितने रिंग्स बने हुए हैं? रिंग्स आपस में जुड़े हुए रिंग्स बने हुए हैं, वो रिंग्स हैं 5 बेटा, 3 ऊपर है 2 नीचे है उसके, 5 रिंग्स हैं. इन विच सिटी वॉज द 2016 ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कौन से सिटी में हुआ था ये? रियो डे जेनेरियो में. ये साउथ अमेरिका की सिटी है बेटा. विच कंट्री विल होस्ट द 2020 ओलंपिक गेम्स? 2020 के ओलंपिक गेम्स कौन सी कंट्री में होने थे, कौन सी सिटी में? टोक्यो में, जापान में होने थे. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका इंडियन म्यूजिशियंस. ए पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड म्यूजिशियन? जो पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं. हमें ये मैच दीज ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन विद द इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे प्ले एंड राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं जो इंस्ट्रूमेंट ये इंडियन म्यूजिशियंस प्ले करते हैं. फर्स्ट है बेटा आपका ये है उस्ताद जाकिर हुसैन. उस्ताद जाकिर हुसैन बेटा तबला बजाते हैं बेटा, ये सी में बना हुआ है तबला. नेक्स्ट है पंडित रविशंकर. पंडित रविशंकर बेटा सितार बजाते हैं. सितार आपका एफ पर है. नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्ला खान. उस्ताद बिस्मिल्ला खान आपका शहनाई बजाते हैं. ये डी पर इसकी पिक्चर बनी हुई है. आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं और मैच करना है उसकी पिक्चर से. तो नाम हमने सामने लिख दिया और मैचिंग आपकी पिक्चर से हो रही है. नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा. पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं बेटा संतूर. संतूर की पिक्चर ये है. ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं. सरोद की पिक्चर ये है बेटा. ये आपको पता नहीं होंगे, ये सरोद है और ये संतूर है. ये शहनाई की पिक्चर है. ये पता होने चाहिए, इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको. हरी प्रसाद चौरसिया. पंडित हरी प्रसाद चौरसिया ये बेटा फ्लूट बजाते हैं. फ्लूट माने बांसुरी.